एक बात पूछ रहा हूं कि जिस समय वाकई आंदोलन चल रहा था और जो सिंपैथी पूरे देश की इन खिलाड़ियों के साथ थी, चाहे फोगोट हो चाहे पूनिया जी हो, आज की तारीख में यह आप बताएंगे कि जो आज मूवमेंट चला है उसमें डेंट लगा है कि नहीं? मैं केवल सर कनेक्शन चला गया, कनेक्शन चला गया, लेकिन आपका सवाल समझ में आ गया है विवेक, 20 सेकंड में जवाब दें, डेंट लगा है कि नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहूंगा कि अगर बच्चों ने उस वक्त लीडरशिप क्वालिटी एक दिखाई थी और अपने साथियों के साथ जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उनको बोला कि आवाज़ उठाओ, हम इकट्ठे होते हैं, इफ़ दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज दे मस्ट कम इन टू द नेशनल पॉलिटिक्स चाहे वट एवर बी द पार्टी। अगर हमारी तरफ से किसी इंडिया अलायंस की पार्टी की गलती होती और कल बीजेपी उनको चांस देता तो भी मैं वेलकम ही करता। ओके, क्लियर है आपका मामला। गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, अभी विवेक जी अपने पिछले ऑब्जर्वेशन में कह रहे थे कि हम कैसरगंज जीत गए। चुनाव की जीत किसी भी चीज को लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज नहीं करती विवेक जी। चुनाव में आप जीत गए तो ये चीज लेजिटिमाइज हो गई, आप हार गए तो चुनाव में ये चीज डीलेजिटिमाइज हो गई। मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। अगर चुनाव की बात हो तो हम तीसरी बार 240 प्लस सांसद लेकर के आए हैं और ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है। मूल रूप से, मौलिक रूप से हम बार बार ये कह रहे हैं कि आंदोलन में जो जेन्युइन वेलविशर थे, जो जेन्युइन शुभचिंतक थे, जो वाकई में वहां जाना चाहते थे, क्या आज उनके मन में सवाल नहीं खड़े हुए हैं? क्या आज उनके मन में सवाल नहीं खड़े हुए? मैं आपसे इतना साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। आज वो भी पूछ रहे हैं, साक्षी मलिक जो कि आपकी कंपेट्रियट थी, जो कि आपकी सोल्जर थी, जो कि आपके साथ आंदोलन कर रही थी, यदि आज साक्षी मलिक भी उस आंदोलन के इंटेंशन पे संदेह प्रकट कर रही हैं, तो हमारा सवाल खड़ा करना गलत हुए। विवेक जी आप मुझे बताइए, आपकी पूरी इच्छा है, आपको पूरा अधिकार है, जैसा कि मैंने कहा संविधान, लेकिन आज संपूर्ण मूवमेंट पे गुरु प्रकाश जी आंदोलन के इंटेग्रिटी पे सवाल खड़ा सर। सुनिए 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। आज मेरी आपसे अपील है, बीजेपी के होने के नाते उन्होंने आपके विपक्ष की पार्टी जरूर ज्वाइन करी है, एज अ पॉलिटिशियन एज अ पार्टी उनको आशीर्वाद दीजिए, बेस्ट ऑफ लक बोलिए एंड लेट देम फाइट द बैटल, डोंट डिस्करेज एंड डोंट अक्यूज देम ऑफ सेलिंग व्हाटएवर बैड हैपेंड टू देम। आज बड़ा दिल दिखाइए, दो एक या दो सीटों पर ही तो लड़ेंगे, लड़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है? आप बड़ी पार्टी है, हम लोग 70 साल से राजनीति करते आए हैं, दो बच्चे अगर टिकट लेके लड़ गए लड़ने दो, नहीं विवेक क्यों उनके ऊपर उनके साथ एक बुरा जो हुआ उसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं? बहुत से लोग बैठे होंगे, जो बात आप कह रहे हैं ना इसका मैसेज गलत जा रहा है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आंदोलन को डिमीन करने के लिए डिबेट नहीं है, पर मैसेज वही जा रहा है। ना ना बिल्कुल नहीं, आप ये मैसेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा चालाक हूं मैं, भाग गई आपके इस स्टेप को। मैं बता देती हूँ आपको, बृजभूषण शरण सिंह या उसके बरक्स कोई भी ऐसा आदमी जिसने लड़कियों के साथ, रेसलर्स के साथ कुछ भी गलत किया है और सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, सिस्टम अगर कार्रवाई नहीं कर रहा था तो वाकई एक आंदोलन होना चाहिए था और वो आंदोलन हुआ। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज रेसलर्स कि ये आंदोलन उन्होंने किया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मामला तब गड़बड़ाया जब जो आंदोलन चाहता था वो हुआ, लेकिन उसके बाद वो आंदोलन जिद में तब्दील हुआ। उसके बाद वो जिद ऐसी कि जो रेसलिंग फेडरेशन था उसको इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से वार्निंग्स मिलने लग गई। इट वाज नॉट लिमिटेड टू दिस वन पर्सन कॉल बृजभूषण शरण सिंह, ये पूरे के पूरे देश के कुश्ती को लेकर, पहलवानों को लेकर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि हमें लग रहा था उसको तो बचाना था ना, इस शख्स के खिलाफ लड़ाई थी, पहलवानी के खिलाफ थोड़ी आपको। गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन इनिशिएटिव रूबिका। नहीं इनिशिएटिव नहीं लिया, मैं तो कह रही हूं हां सरकार की गलती है, उसको एक्सेप्ट करिए। आपके सामने सवाल पूछा कि नहीं पूछा? वो ठीक है, बट लेट द गवर्नमेंट, वी शुड हैव एक्टेड। लेकिन पीटी उषा, मैरी कॉम, मतलब उनको आगे रख के और बात करवाई गई थी, ठीक है? नहीं, ये तो तभी हो सकता है कि जब वाकई आपके जहन में ये चल रहा हो कि कुछ भी हो जाए यही वो एक इकलौता तरीका है कि इन सबको नाक रगड़वाने पर मजबूर कर। गवर्नमेंट डिड नॉट मीन बिजनेस, government was protecting Bridbhushan Charan Singh, government was protecting his family, his son was given a seat, he was sitting in the same Lok Sabha as the Prime Minister. Again, he was not suspended, why not? अरे the government has not taken action, the BJP did not take any action. अगर हम लोग जाकर के सहानुभूति दिखाएंगे तो अब समस्या है? नहीं नहीं, पर हम कौन? इसीलिए तो डेमोक्रेसी है ना। ये कैसे हुआ मुझे कोई ये बता दे, किस लिए है ये कैसे हुआ? अच्छा रामकृपाल जी मुझे ये बता दीजिए, ये कैसे हुआ? नहीं, मैं ये कैसे हुआ होगा? मतलब ये आपको लगता है कि ये जब मेडल नहीं जीत कर विनेश फोगाट आई होंगी
तो फिर जो है कांग्रेस के लोग उनके पास गए होंगे और उनको बोला होगा, बहन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें टिकट ले लेनी चाहिए और तुम्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए। अरे भाई हम क्यों ना ढूंढे अच्छे कैंडिडेट, ढूंढिए सर, मैं तो समझने की कोशिश, हम तो हाथ जोड़ के जाएंगे, हम तो बोलेंगे तुम इतनी बहादुर हो, तुम लड़ गई थी, तुम इतनी बहादुर हो, तुम महिला हो और तुम खड़ी हुई महिला सशक्तिकरण के लिए, शक्ति का रूप हो, आओ मेरी पार्टी में, आओ मेरी पार्टी में, हम क्यों ना करें ऐसा, बताओ। और भी तो रेसलर्स थी, और भी महिलाएं थी, सो ओवर एग्रीज रूबिका, सो दैट अग्रीमेंट इज वेयर वी आर टॉकिंग, क्या बुराई हो गई उसमें। राम कृपाल जी, गुरुप्रकाश जी, बस एक सेकंड दीजिए मुझे। रूबिका जी, मैं जो बात कह रहा था उस समय नहीं कहता था, मेरा खाली इतना कहना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस आंदोलन को किसी तरह से कमतर दिखाना या खराब कहना हमारा उद्देश्य नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने देखा है, मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में रहा हूं, मैंने देखा कि वो आंदोलन कितने अच्छे उद्देश्य से निकला था, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए, आज हालत यह है कि लोगों को लग रहा है वो ठगे गए थे। फिर अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने देखा, उसके बाद की जो परिणति हुई उससे फिर जनता को लगा कि वो ठगी गई है। यही हालत इस तरह के आंदोलन के बाद जब सब्सिक्वेंट इवेंट्स होती हैं, तब लोगों को लगता है कि ये ठगे गए हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आज की घटना, मैं कह रहा हूँ कि जो कभी इज्जत कमाई बहुत कमाई थी, आज मुझे लग रहा है कि उसमें से निश्चित तौर पर डेंट लगा है। अब वो इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे थे। गुरु प्रकाश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कह रहे हैं अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है, और अगर ये दो अच्छे पहलवान राजनीति में आ रहे हैं तो चुनावी अखाड़े में आनंद आएगा उस कुश्ती को देखने का, लेकिन जो सवाल है वो तो पूछे जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।